आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड, मीडियन जानेंगे। हमने अब तक वर्गीकृत आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माध्य, बहुलक और माध्यक के बारे में अलग अलग पढ़ चुके हैं, जिनके मान एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक खेल प्रतियोगिता में 35 खिलाड़ियों के अंकों को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों से माध्य, बहुलक तथा माध्यक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। उपरोक्त आंकड़ों से माध्य प्राप्त करने के लिए माध्य सूत्र में सभी प्रेक्षणों का योग व प्रेक्षणों की संख्या रख हल करने पर माध्य 25.28 प्राप्त होता है। यदि हम बात करें बहुलक की, तो बहुलक सूत्र में उपयुक्त आंकड़ों से सभी मानों को रख हल करने पर इसका मान 26 प्राप्त होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि दी गई बंटन सारणी से माध्यक क्या होगा? शाबाश। इसके लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता स्तंभ का निर्माण करते हैं। जहां से माध्यक सूत्र के सभी मानों को रख हल करने पर माध्यक का मान 25.5 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए और बताइए कि माध्य, बहुलक और माध्यक में क्या समानता है। बिल्कुल सही। इन तीनों के मानों से देख कह सकते हैं कि ये सभी एक दूसरे के निकटतम मान हैं। लेकिन यदि आपको एक ऐसी स्थिति दे दी जाए जहां इन तीनों में से किन्हीं दो के मान दिए गए हों, तो क्या आप तीसरा मान प्राप्त कर सकते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए महान गणितज्ञ कार्ल पियर्सन ने माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच एक संबंध 3 गुणा माध्यक लगभग बराबर होगा बहुलक जमा 2 गुणा माध्य। यदि इस संबंध में किन्हीं भी दो मानों को रख दिया जाए तो हम तीसरा मान प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम अपनी सुविधा अनुसार इस संबंध को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।